प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉय कैथान 2021 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को विसंगतियां दूर कर राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। राज्य में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 61 लाख के पार। केंद्र ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की दी सलाह। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगला चरण आज से शुरू। नई रियायत नहीं, पुरानी पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ाई गई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं, कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804646 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टॉय कैथान 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 2471 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टॉय कैथान 2021 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक खिलौना निर्माण बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतीय नहीं है, हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वायलेंस को प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि ऐसे वैकल्पिक कंसेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन जो संपूर्ण मानव कल्याण से जुड़ा हुआ हो, वो हो, तकनीकी रूप में सुपीरियर हो, फन भी हो, फिटनेस भी हो, दोनों को बढ़ावा मिलता रहे। और मैं ये भी स्पष्ट देख रहा हूं कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कॉम्पिटेंस हमारे यहां भरपूर है। हम टॉय कैथन में भी हम भारत की इस ताकत को साफ देख सकते हैं। इसमें भी जो आइडिया सिलेक्ट हुए हैं उनमें मैथ्स और केमिस्ट्री को आसान बनाने वाले कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को मजबूत करने वाले आइडियाज भी हैं। अब जैसे ये जो आइक्रोगिटो गेमिंग का कॉन्सेप्ट आपने दिया है, इसमें भारत की इसी ताकत का समावेश है। योग से वीआर और एआई टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया गेमिंग सॉल्यूशन दुनिया को देना बहुत अच्छा प्रयास है। इसी तरह आयुर्वेद से जुड़ा बोर्ड गेम भी पुरातन और नूतन का अद्भुत संगम है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बातचीत के दौरान नौजवानों ने बताया भी कि एक कम्पिटिटिव गेम दुनिया में योग को दूर सुदूर पहुंचाने में बहुत मदद कर सकता है। साथियों, भारत के वर्तमान सामर्थ्य को, भारत की कला संस्कृति को, भारत के समाज को आज दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत उत्सुक है। लोग समझना चाहते हैं। इसमें हमारी टॉयज और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खिलौना उद्योग का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इस सेक्टर से जुड़कर लोग आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
रांची की रहने वाली विभा कुमारी खिलौना निर्माण और प्रशिक्षण के काम में पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही कम लागत में वे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक और कांच के बोतल के अलावा कागज और कपड़ों से खिलौना बनाती हैं। विभा कुमारी का ज्यादा समय खिलौना बनाने और सिखाने में ही व्यतीत होता है। पेरिस से सिखाती हूँ, जिससे मैंने ये मछली बनाया है। इसे में आप पेंसिल स्टैंड का भी काम कर सकते हैं और प्लांटर भी कर सकते हैं, कुछ पौधे इसमें लगा सकते हैं। आजकल ऑक्सीजन की जरूरत है लोगों को, ये छोटे चीजों से आप अपने प्लांट में लगा करके अपने घर में रख सकते हैं। खिलौना सेक्टर से जुड़ी केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों से विभा कुमारी उत्साहित नजर आती हैं। वे कहती हैं कि खिलौना सेक्टर को बढ़ावा मिलने से स्थानीय कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सही बात है, मैं पहले से इस खिलौने को बनाने के कार्यक्रम को करती आ रही हूं और बच्चों को सिखाती भी आ रही हूं, और आज प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष ध्यान आ गया है, जिसमें मोदी जी खिलौना सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो स्थानीय कलाकारों को चाहते हैं कि बढ़ावा दे। विभा कुमारी से प्रशिक्षण ले रही एक युवती लाली खिलौना सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को तलाश रही हैं। वे कहती हैं कि बच्चों के लिए वे अब खिलौना बाहर से नहीं खरीदती हैं। खिलौना बना के हमको बहुत अच्छा लगता है और नया नया का तरीका का सिखाती हैं दीदी, और घर में भी छोटे बच्चे हैं उनको हम देते हैं तो उससे खेलती हैं। देश में खिलौनों की डिमांड काफी अधिक है, ऐसे में स्थानीय कारीगरों को सही मार्गदर्शन और आर्थिक मदद मिले तो वे काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश में शांति, स्थायित्व और विकास के मद्देनजर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में विकास की गतिविधियों को तेज करने और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश में शांति, स्थायित्व व विकास के मद्देनजर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में विकास की गतिविधियों को तेज करने और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। साल 2019, तारीख थी 5 अगस्त, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। तब स्पष्ट हो गया था कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में समग्र विकास की बयार बहेगी। इसके तहत संसद से 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर मुहर लगी। लद्दाख बिना विधानसभा के और जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 300 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं कुछ कालखंड के लिए, जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने, नए तेजस्वी ऊर्जावान नौजवान एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा। राज्य से अनुच्छेद 370 की धारा 1 को छोड़कर बाकी प्रावधान और 35A को भी हटा दिया गया। इसी के साथ राज्य में वो सभी कानून लागू हो गए जो देश के दूसरे प्रदेशों में लागू हैं। नतीजा ये हुआ कि शासन में मौजूद भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ, प्रायोजित आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने की बड़ी पहल हुई। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुए, जन भागीदारी बढ़ी,
ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद को पहले के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले। सभी फ्लैगशिप योजनाएं जमीनी हकीकत बनने लगी और एक सुशासन का तंत्र राज्य के अंदर विकसित हो उठा। अब बारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन की है। चर्चाएं डीलिमिटेशन यानी परिसीमन की भी हैं। कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ राज्य के राजनीतिक दलों की होने वाली बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को एक महीने में दूर करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनें दूर कर एक महीने में नई नियमावली बनाने को भी कहा है। इस मुद्दे पर उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस साल के अंत तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, इसलिए नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जो विसंगतियां हैं उन्हें जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद थे। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 54,069 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 54,069 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 68,885 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश में अब तक 2,90,63,740 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.91% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,321 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 96.61% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,27,057 है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में 139 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 190 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,38,446 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,364 रह गई है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.12% हो गई है। राज्य के 9 जिलों में अब सक्रिय मामलों की संख्या 25 से भी कम रह गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 30 करोड़ 16 लाख 26 हजार से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,89,599 कोविड टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में कोविड टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। कल एक दिन में 1,30,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 1,11,816 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 19,013 को दूसरी डोज दी गई। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा 61 लाख को पार कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 51,68,480 पात्र लोगों को टीके की पहली डोज दी गई, जबकि 9,64,406 को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। दुमका जिले में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यहां टीकाकरण भय नहीं, उत्साह और विश्वास का विषय बन गया है। हर दिन बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थी टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और टीका रूपी सुरक्षा कवच धारण कर रहे हैं। दुमका जिले के शहरी क्षेत्र में 5 स्थानों पर नियमित टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर रोज बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाकर खुद को कोरोना महामारी के संक्रमण से सुरक्षित कर रहे हैं।
लोगों में टीके को लेकर व्याप्त भय और भ्रांतियों की जगह अब उत्साह ने ले लिया है। मेरा नाम मरा बिंदा मंडल है, मैंने टीका लगाया अभी तुरंत लगाया, मेरे इच्छुक था पहले से ही, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है कोविशील्ड और मुझे किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में भी टीकाकरण का उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। वे धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करती हैं और टीका लगवाने के बाद सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाती हैं। मैंने कोरोना का टीका लगवाया है, ये काफी सुरक्षित है और इसे सबको लेना चाहिए। मैं इसे लगाने के बाद से अच्छा महसूस कर, हमने वैक्सीनेशन करवाया है, इससे कोई कठिनाई नहीं है, तो बहुत अच्छे से ले लिए। बहरहाल दुमका जिला कोरोना टीकाकरण को लेकर जल्द ही रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। टीकाकरण का 100% लक्ष्य पाने के अभियान में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना फ्रंटलाइनर और गैर सरकारी सामाजिक संगठन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तो कम होता जा रहा है, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आ गई है। देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 4 राज्यों में अब तक 40 मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए केंद्र ने झारखंड को भी अलर्ट किया है। ऐसे में कोविड जांच और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में अप्रैल से जून के बीच एकत्र नमूनों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा गया था। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू से भेजे गए कुल 328 सैंपलों में से 204 में डेल्टा, 63 में कप्पा और 29 में अल्फा वेरिएंट मिले हैं। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को बहुत ही संक्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को उचित कोविड व्यवहार अपनाने की जरूरत है ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके। हम देखें कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, अब वायरस इस वेरिएंट के कारण ज्यादा फैल रहा है पुराने वेरिएंट के मुकाबले, या ये ज्यादा सीवियर डिजीज कर रहा है, वायरलेंट ज्यादा है, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट, या ये वेरिएंट ने ऐसा एक रूप लिया है कि इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, या आपके जो टेस्ट हैं वो इस वेरिएंट को पिकअप नहीं कर पा रहे। अगर इनमें से एक भी कोई चीज हो तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगला चरण शुरू हो गया है। कल शाम सरकार ने सुरक्षा सप्ताह के इस चरण की घोषणा की। इस चरण में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त रियायत नहीं दी गई है। पुरानी पाबंदियों के साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जरूर कम हो गया रहा है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बरकरार है। ऐसे में सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है। दिनों को हम लोग पार कर रहे थे, दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, तीसरी लहर की भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने
इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया है। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको दिया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुट गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से झारखंड को 4,630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का फैसला किया है। आईईसी के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने रांची में पत्रकारों को बताया कि इनमें से 2,536 कंसंट्रेटर 5 लीटर के और 2,094 कंसंट्रेटर 10 लीटर वाले होंगे। इसका इस्तेमाल सुदूर क्षेत्रों में बसे पहाड़ी या ट्राइबल एरिया में किया जाएगा। फिलहाल इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को राज्य के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाया जाएगा। दुमका जिले में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जन अभियान बन चुका है। एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण की दर में तेजी से सुधार हुआ है, वहीं शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में आम लोग भी प्रशासन के साथ खड़े हैं। टीकाकरण केंद्र जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाने का बहाना बनाने वाले लोगों को टीका से आच्छादित करने के लिए दुमका जिले में अब पेट्रोल पंप और बस स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी कैंप लगाकर लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। हाँ, दुमका पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आए थे, हम आसनसोल जा रहे थे तो बीच में यहाँ कोविड वैक्सीनेशन हो रहा देख के रुक गए और माँ को अभी जो 45 प्लस का रेंज में पड़ती है उनका वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पहला डोज है, ये पहला डोज है उनका और बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हाँ, ये हम लोगों को बहुत हेल्प हुआ। हम लड़ाइए, हम उलट गए यार, जाना चाहिए। दुमका शहर के दुधानी पेट्रोल पंप के ऑनर मुकेश अग्रवाल बताते हैं कि उनकी भी कोशिश है कि ऐसे प्रयासों के जरिए दुमका और देश को टीकाकरण से पूरी तरह आच्छादित किया जा सके और कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। सरकार के द्वारा जो पहल की गई है कि घर घर द्वार द्वार टीकाकरण, एक बहुत अच्छा शुरुआत है और मैं सोचता हूँ कि आज सरकार ने ये जगह हमारा पेट्रोल पंप चुना। संपूर्ण लॉकडाउन के दिन हमारे पंप पर सेल भी कम रहता है जिसकी वजह से इन्हें भी सुविधा हुई और हमें भी सुविधा हुई और ये लोग यहाँ पे लोगों का टीकाकरण हो रहा है जो एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर ये टीकाकरण अभियान ठीक से चलता रहे तो हम कोरोना से का जंग जरूर जीत जाएंगे। बहरहाल दुमका अब उन जिलों में शामिल हो गया है जहां दैनिक संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है। यहां पिछले 4 दिनों में केवल एक नया केस मिला है, वहीं एक्टिव मामलों की संख्या केवल 33 रह गई है। जिले में अब तक 4,609 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से 4,531 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। से आरके नीरद की रिपोर्ट। राज्य में कोरोना महामारी की वजह से पिछले करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन ने कई लोगों को प्रभावित किया है। इनमें देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के पंडा समाज सहित मंदिर के आसपास पूजा सामग्री बेचने वाले लोग भी शामिल हैं। इन लोगों की तकलीफों को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने लोगों की तरफ राहत के हाथ बढ़ाए हैं। देवघर में लंबे समय से बाबा मंदिर बंद रहने के कारण पूजा पाठ कराने वाले पंडों और पुरोहितों के अलावा छोटे दुकानदारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में मंदिर और जिला प्रशासन ने उन्हें राहत देने की पहल शुरू की है। अब इनके बीच खाद्य सामग्री और सूखा राशन वितरित किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी में कुछ दिनों तक मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था, अभी भी बंद है, तो जिसके वजह से यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित समाज है और आसपास में इसी के ऊपर निर्भर करने वाले दुकानदारों को तकलीफ से महसूस हो रही थी। तो उसे को देखते हुए मंदिर प्रशासन के जो उसके कोष से कुछ राहत के हम लोग दे रहे हैं बाबा वैद्यनाथ जी का आशीर्वाद से।
आजीविका के संकट के बीच की जा रही प्रशासनिक पहल की धर्म पुरोहितों ने सराहना की है। प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए पुरोहितों ने कहा कि सरकार को मंदिर खोलने पर विचार करना चाहिए। द्वारा जो ये राहत सामग्री दी जा रही है वो थोड़ी बहुत तो राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि मंदिर बहुत दिनों से बंद है और हम लोग तो यही कहेंगे जो इसको मंदिर खुलना भी बहुत जरूरी है। बाबा बैजनाथ जी का ये जो पहल ये प्रक्रिया है बहुत अच्छा है, बहुत अति उत्तम है। ये राहत अभी तो 15 दिन तक तो चलेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिलची साहब बाबा बैजनाथ जी का उन पर कृपा बना रहे, बस हमारा यही इच्छा है इसी तरह वो काम करते रहे और उनका प्रमोशन होते रहे। यह सही है कि मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होने के कारण पंडा समाज और आसपास के छोटे छोटे दुकानदारों के समक्ष आजीविका बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से दी गई राहत सामग्री से उन्हें कुछ हद तक राहत जरूर मिली होगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर और लखनऊ जाएंगे। इससे पहले 2003 और 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने रेल से चंडीगढ़ और देहरादून की यात्रा की थी। राष्ट्रपति अपने इस दौरे के क्रम में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और लोगों से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति की इस 3 दिवसीय रेल यात्रा में क्या है खास और भारतीय रेल ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डॉ नीलम संजीव रेड्डी ने भारतीय रेल की विशेष रेलगाड़ी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यात्रा की। आखिरी बार इस ट्रेन से 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देहरादून का दौरा किया था। सबसे पहली बार रेल से राष्ट्रपति देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यात्रा की थी। उसके बाद भी कई राष्ट्रपतियों ने रेल से यात्रा की, लेकिन पिछले 15 वर्षों के बाद अब यह पहली बार होगा कि देश के महामहिम दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर और लखनऊ जाएंगे। 2018 तक देश के कई महामहिमों की सेवा में कार्यरत इस प्रेसिडेंशियल ट्रेन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इसे अब रेल म्यूजियम में रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इस यात्रा के लिए भारतीय रेल एक विशेष रेलगाड़ी चला रही है जो 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होकर कानपुर और लखनऊ जाएगी। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर इस विशेष रेलगाड़ी में सुरक्षा के साथ साथ सभी प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया है। ये गाड़ी भी हम लोग तैयार कर रहे हैं और इस गाड़ी से वो यात्रा करेंगे, हमें आशा है कि उनकी यात्रा। भगवान जगन्नाथ की पवित्र स्नान यात्रा के साथ करीब एक माह तक चलने वाले रथ महोत्सव की पूरी नगरी में शुरुआत हो गई है। जो 21 जुलाई तक चलेगा। परंपरा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के 3 पीठासीन देवताओं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉय कैथान 2021 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को विसंगतियां दूर कर राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। राज्य में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी, टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 61 लाख के पार। केंद्र ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की दी सलाह। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगला चरण आज से शुरू, नई रियायत नहीं, पुरानी पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ाई गई।